अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द कोर्स कोड इज MGT 561। इन द लास्ट लेक्चर वी कंक्लूडेड द चैप्टर 7 ऑफ द बुक व्हिच वाज ऑन डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर व्हिच इज चैप्टर 7 ऑफ द बुक। ओवरऑल जो चैप्टर 7 था उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, देवर डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन, के जी डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है और हम क्यों इसको सप्लाई चेन में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने ये भी देखा कि जी ओवरऑल रोल क्या है फोरकास्टिंग का सप्लाई चेन के अंदर। आपको पता है कि जब आप डिमांड की फोरकास्टिंग करते हो, फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो आपको अब अगले टाइम को किस तरीके से आपने देखना है कि आगे क्या होने वाला है। जब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है तो आप पीछे के डेटा को यूज करके आगे जो होने वाला है उसके बारे में कोई ना कोई आइडिया लेते हो। तो फोरकास्टिंग सिर्फ इसलिए की जाती है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है कि जी सप्लाई चेन के अंदर जो फ्यूचर में डिमांड आने लगी है वो क्या होगी, उसके लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको डिमांड फोरकास्टिंग कहा जाता है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये भी देखा कि जी ओवरऑल रोल ऑफ फोरकास्टिंग क्या है सप्लाई चेन के अंदर। हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरकास्टिंग देखे कि जी फोरकास्टिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यू हैव टाइम सीरीज, यू हैव कॉजल, यू हैव डिफरेंट यू कैन से अडेप्टिव टेक्निक्स। तो सारी की सारी हमने देखी टाइम सीरीज क्या होती है, कॉजल रिलेशनशिप क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, वो सारी की सारी हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरकास्ट में देखे। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं जिसके अंदर सप्लाई डिमांड की जो फोरकास्ट होती है उसके अंदर लेवल होता है, ट्रेंड होता है, सीजनैलिटी होती है, कौन कौन सी बेसिक अप्रोचेज हैं, क्वान्टिटेटिव है, क्वालिटेटिव अप्रोचेज हैं। इसी तरह टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड्स हमने पढ़े पिछले चैप्टर के अंदर। अडेप्टिव फोरकास्टिंग पढ़ी। अडेप्टिव फोरकास्टिंग का मतलब उसके नाम, अडेप्टिव फोरकास्टिंग के नाम में ही उसके सारे के सारी इंफॉर्मेशन है कि जी ये अडेप्ट करती जाती है। जैसे जैसे आप फोरकास्ट करते हो, जैसे जैसे आपके पास डेटा आता जाता है, आपने अगले महीने की फोरकास्ट की और अगले महीने की एक्चुअल डिमांड जब आई तो फिर आपने अडेप्ट किया अगली फोरकास्ट को। तो एडेप्टिव फोरकास्टिंग देखी हमने। एडेप्टिव फोरकास्टिंग के अंदर बहुत सारे मॉडल्स देखे, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस के अंदर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज, 4 पॉइंट मूविंग एवरेज, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, जितने भी आप पॉइंट लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से मूविंग एवरेजेस हम ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग पढ़ी। एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग के अंदर हमने अल्फा की वैल्यू पहले देखी कि अल्फा क्या होता है, जो स्मूदनिंग कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग के बाद हमने हॉल्ट्स मॉडल पढ़ा। हॉल्ट्स मॉडल के अंदर क्या खास बात थी कि उसके अंदर ट्रेंड की भी बात की जाती है। मूविंग एवरेजेस एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग के अंदर से लेवल सिर्फ देखा जाता है। हॉल्ट्स मॉडल के अंदर लेवल एंड ट्रेंड दोनों को देखा जाता है, जिसके लिए हम एक और स्मूदनिंग कॉन्स्टेंट यूज करते हैं जिसको हम बीटा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने अडेप्टिव फोरकास्टिंग के ही अंदर हमने देखा कि जी विंटर्स मॉडल। विंटर्स मॉडल क्या था, विंटर्स मॉडल के अंदर हमारे पास सीजनैलिटी का भी कंपोनेंट हम उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक सीजनैलिटी का स्मूदनिंग कांस्टेंट यूज़ किया जिसे हम गैमा कहते हैं। तो अल्फा, बीटा, गैमा 3 स्मूदनिंग कांस्टेंट हैं जो लेवल, ट्रेंड और सीजनैलिटी रिस्पेक्टिवली इन तीनों को हैंडल करते हैं। फिर जब हमने ये सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ के देख ली, इसी के अंदर हमने रिग्रेशन एनालिसिस भी देखा। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है कि जी रॉ डाटा के ऊपर आपने जो डाटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपने एक लाइन सेट करनी है। तो रिग्रेशन के अंदर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, रिग्रेशन के अंदर से हम लेवल एंड ट्रेंड निकाल सकते हैं। तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी फोरकास्टिंग की। फिर जब हमने फोरकास्टिंग की टेक्निक्स पढ़ ली तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इन टेक्निक्स को अवेल्युएट किया जा सकता है, यानी कि अगर हम फोरकास्टिंग कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, या सही है या अनसूटेबल है या अनसूटेबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट एरर्स देखे कि जी किस तरीके से हम फोरकास्टिंग के अंदर एरर को मेजर कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर मेजर्स ऑफ फोरकास्टिंग एरर्स देखा। फिर आखिर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जी अल्फा, पहले तो हम डिफरेंट अडेप्टिव फोरकास्टिंग के अंदर हमने देख लिए ना कि जी अडेप्टिव फोरकास्टिंग के अंदर हमने 3 मॉडल 4 मॉडल्स पढ़े। मूविंग एवरेजेस पढ़ा हमने, फिर हमने एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग्स पढ़ा, फिर हॉल्ट्स मॉडल पढ़ा, फिर विंटर्स मॉडल पढ़ा। मूविंग एवरेजेस के अंदर
थ्री पॉइंट, फोर पॉइंट, फाइव पॉइंट, जितने भी आपने पॉइंट्स रखने हैं, सिक्स पॉइंट मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर हमने अल्फा की वैल्यू देखी कि जी अल्फा क्या होती है. जो मूविंग एवरेजेस था वो सिर्फ लेवल को डील करता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग भी लेवल को डील करती थी. फिर उसके बाद हॉल्ट्स मॉडल के अंदर हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ जाता था, इसके अंदर हम लेवल एंड ट्रेंड दोनों को मैयर कर सकते हैं. विंटर्स मॉडल था उसके अंदर अल्फा बीटा एंड गैमा आता था, इसके अंदर हम लेवल ट्रेंड और सीजनैलिटी को मैयर कर रहे होते हैं या उनको फोरकास्ट कर रहे होते हैं. अब आगे जो हमने डिस्कशन की थी कि जी किस तरीके से, पहले इन स्टेजेस में जब मैं आपको समझा रहा था कि जी किस तरीके से फोरकास्टिंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी जिनके अंदर हमें अल्फा बीटा एंड गैमा की जो वैल्यूज़ थी वो ऑलरेडी गिवन थी, तो हम प्रॉब्लम के अंदर उनको यूज़ कर लेते थे. फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि जी आपके पास रॉ डाटा है, रॉ डाटा में से आप किस तरीके से अल्फा की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो आखिरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको सॉल्वर यूज़ करना सिखाया. ठीक है, फिर आखिर में हमने इस चैप्टर के ये भी देखा कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईटी इन फोरकास्टिंग, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जिनके अंदर ये डिफरेंट जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो. और फिर मैंने आपको फोरकास्टिंग से रिलेटेड रिस्क के बारे में बताया और किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं. तो दिस इज़ द समरी of chapter 7 of all the concepts that we have discussed in chapter 7 of the book. With that, let's start today's lecture, which is the chapter 8 of the book. It is on aggregate planning in the supply chain. Ab aggregate planning hoti kya hai, iske andar kya kya cheeze involve hoti hain, kis tarike se hum isko kar sakte hain, wo hum is chapter ke andar padhenge. To before starting formally this chapter, let me give you a summary of the learning objectives. Ke ji is चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए. तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजंस दैट आर बेस्ट सॉल्व बाय एग्रीगेट प्लानिंग. हम बताएंगे कि कौन कौन से डिसीजंस हैं जो एग्रीगेट प्लानिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं. अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग एज सप्लाई चेन एक्टिविटी, हमें ये देखना है. फोरकास्टिंग अब हमने कर ली, डिमांड को हमने फोरकास्ट कर लिया. अब डिमांड को फोरकास्ट करने के बाद वाला जो स्टेप है कि जी अब आपने प्लान करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एग्रीगेट प्लानिंग यूज़ करते हैं. तो अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग एज अ सप्लाई चेन एक्टिविटी, डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन needed to produce an aggregate plan. मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर के जी किस तरीके कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करके एग्रीगेट प्लान बना सकते हैं. एक्सप्लेन द बेसिक ट्रेड ऑफ टू कंसिडर वेन क्रिएटिंग एन एग्रीगेट प्लान, कौन कौन से ट्रेड ऑफ्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा गहराई में नहीं घुसते, किन चीज़ों को हम गहराई में घुस के देखते हैं. तो मैं आपको एक ओवर ऑल एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्रीगेट प्लान किया जा सकता है, क्या ट्रेड ऑफ्स हैं, कितनी गहराई में जाया जा सकता है एग्रीगेट प्लान करते हुए. फॉर्मुलेट एंड सॉल्व बेसिक एग्रीगेट प्लानिंग प्रॉब्लम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अब वही बात जो एक्सेल की जो डिफरेंट मैंने आपको एडिंस बताए हैं जिसके अंदर सॉल्वर है, उसको हम यूज़ करके एग्रीगेट प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जी एग्रीगेट प्लानिंग किस स्टेज पे आती है. मैंने आपको अभी बता दिया कि जी जब आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हो आपको पता चल जाता है कि अगले टाइम में जो हमारे पास डिमांड आने लगी है वो इतनी है, तो उसके हिसाब से अब आपने अपनी सप्लाई चेन के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, आपके जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, अब आपने प्लान करना है कि जी मैंने इस बंदे से इतनी चीज़ लेनी है, इस डेट को लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, मेरा खर्चा कितना होगा, कितने घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, ये सारे का सारा एग्रीगेट प्लान होता है. तो एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर हम ये काम करते हैं. आपने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद अब आपने प्लान करना है अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ को. तो ये ओवरऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के. तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इन सप्लाई चेन. कैपेसिटी हैज़ अ कॉस्ट एंड लीड टाइम.
and are often capacity has a cost and lead times are often long. अब ये जो basic statement है कि जी जब भी आप capacity supply chain के अंदर जब भी आप कोई manufacturing plant लगाओगे, कोई inventory लगाओगे, कोई warehouse बनाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें they have certain cost. आपके पैसे खर्च होंगे. और ये चीजें ये नहीं है कि जी अगर आपको कल inventory की जरूरत पड़ गई है, कल किसी production capacity की जरूरत पड़ गई है, तो आपको on spot मिल जाए. तो बास जगहों पे, बास दफा या बास instances में आपको ये capacity foreign मिलती भी नहीं है. तो आपके पास अगर aggregate plan होगा, आपके पास demand forecast आई, आपने aggregate plan बनाया, उसने आपको बता दिया कि जी इतनी capacity की या इतनी जो production quantity है उसकी हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हो. जाहिरी बात है जितनी ज़्यादा कैपेसिटी लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. जितना बड़ा पावर प्रोडक्शन प्लांट लगाओगे उतना महंगा होगा, जितना बड़ा वेयर हाउस लगाओगे उतना ज़्यादा महंगा होगा. एग्रीगेट प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डिटरमिन्स लेवल ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक आउट्स एंड प्राइसिंग ओवर अ स्पेसिफिक टाइम होराइजन. अब एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है उसके साथ हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम होराइजन होता है. नॉर्मली दैट टाइम होराइजन इज अबाउट 3 to 18 months. एग्रीगेट प्लान जो किया जाता है वो 3 months या 18 months की विंडो, यानी कि अगले 3 महीने में आपने क्या करना है या अगले 18 महीनों में आपने क्या करना है, उसके लिए आप एग्रीगेट प्लान बनाते हो. अब ये क्या है एग्रीगेट प्लानिंग? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी डिटरमिन करती है कि उसको कितनी चीज चाहिए होगी, कितनी कैपेसिटी उसको चाहिए होगी, कितनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग उसे चाहिए होगी, कितनी इन्वेंट्री उसको चाहिए होगी. सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है कि जी आप खुद बना नहीं सकते कोई चीज़ या आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है. अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आइदर टू मेक इट, आइदर इंक्रीज योर कैपेसिटी और सब कॉन्ट्रैक्ट दैट वर्क टू अनदर पार्टी. तो इसके एग्रीगेट प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर पता चलता है कि आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी. ये आपको ये भी बता देता है कि आपके स्टॉक आउट्स कितने होंगे और आपने प्राइस कितनी डिटरमिन करनी है अपनी प्रोडक्ट की. अब एग्रीगेट प्लानिंग का बेसिक मकसद क्या है? जाहिरी बात है किसी भी प्लानिंग का बेसिक मकसद यही होता है कि आप अपने लॉसेस को कम से कम करो और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करो. तो इस एग्रीगेट प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी सप्लाई चेन के जो सरप्लसेस हैं या सप्लाई चेन का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए. सप्लाई चेन का प्रॉफिट नहीं तो इंडिविजुअल जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो. Decisions are made on product family, not SKU. SKU से क्या बनता है? Stock keeping unit. अब aggregate planning में आपको product family level तक, अब नाम ही आप देखें aggregate. Aggregate का क्या मतलब होता है? Sum up करके कि जी ओवरऑल आपको कितनी डिमांड आएगी. आपको ये नहीं बताती एग्रीगेट प्लानिंग कि जी इस चीज़ की इतनी डिमांड होगी, तो आपको ये एक ओवरऑल डिमांड बता देती है कि जी कितनी होगी. अब स्टॉक कीपिंग यूनिट की मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. अब लेट मी से कि जी मेरा एक छोटा सा स्टोर है जिसके अंदर मैं जीन्स या कोई भी पैंट्स उनको बेचता हूँ. ठीक है, मैंने उनको डिस्प्ले पे रखा हुआ है, मेरे पास कस्टमर आता है और लेके जाता है. अब मेरे पास ब्लू जीन्स जो है, ठीक है, ब्लू जीन्स मैं इधर से, मेरे पास ब्लू जीन्स एक ओवरऑल एग्रीगेट यूनिट है. ठीक है कि जी ब्लू जीन्स इज अ एग्रीगेट यूनिट. अब इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्या होंगी कि जी ब्लू जीन्स ऑफ 38 साइज, ब्लू जीन्स ऑफ 34 साइज, ब्लू जीन्स ऑफ 36 साइज. तो अब इसके अंदर मेरे पास 38 साइज में चार प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, 34 के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, 36 के अंदर 7 प्रोडक्ट्स हैं. तो ये इंडिविजुअल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं और ये ओवरऑल एग्रीगेट है. तो आप जितना इसको ऊपर नीचे लेके जाना चाहो, अगर आप क्लोदिंग कहते हो, क्लोदिंग के अंदर फिर शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल पैंट्स के अंदर कलर्स आ जाते हैं तो वो SKUs बन जाती हैं. अब लेट मी से कि जी मेरे पास एक एग्रीगेट यूनिट है वो जीन्स की है. जीन्स के अंदर आपके पास मल्टीपल है, आपके पास ब्लू भी है, आपके पास ब्लैक भी है, ब्लैक है एक, ब्लू है, ब्लैक के ब्लू के अंदर आपके पास कैजुअल है और स्ट्रेट फिट है. तो ब्लैक के अंदर भी आपके पास कैजुअल फिट है एंड स्ट्रेट फिट है. अब फिर आगे साइजेस क्या है, साइजेस के अंदर डिफरेंट साइजेस हैं. तो ये जो आखिरी साइजेस आ जाएंगे ना तो दे विल बी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स.
तो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स बेसिकली इंडिविजुअल चीज़ों की इंडिविजुअल, यानी कि मेरे पास जीन्स ब्लैक कलर की कैजुअल फिट के अंदर इस साइज़, लेट से 34 साइज़ की, इतनी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ब्लैक जीन्स, उसकी जो कैजुअल फिट है उसके अंदर जो 38 साइज़ है वो 4 यूनिट्स का पड़ा, 4 यूनिट्स पड़ी हुई है उसकी, तो ये मेरी एक स्टॉक कीपिंग यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से ब्लैक जीन जिसकी कैजुअल फिट है और उसका साइज़ 34 है, तो उसकी मेरे पास कितनी यूनिट्स पड़ी हुई हैं, लेट्स से कि 5 यूनिट्स पड़ी हैं। तो ये स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, इनको कहते हैं कि इंडिविजुअल चीज़ कितनी पड़ी है। हर स्टॉक कीपिंग यूनिट की एक बड़ी कैटेगराइज्ड फॉर्म होती है कि जी काले रंग की कैजुअल फिट इतने साइज़ में जीन्स, तो ये इस तरीके से स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। अब जिस तरह लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल के जी चावल, अगर आप अपने यूटिलिटी स्टोर में रखते हो तो चावल जो है वो एक एग्रीगेट यूनिट है, मगर जब उसको आप स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के अंदर लाते हो तो जी उसकी डिफरेंट कैटेगरीज, उसकी डिफरेंट फिनिशेस, उसके हिसाब से उसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स बनती हैं। तो एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो आपको एग्रीगेट लेवल पे बताएगी। अगर मैंने जीन्स की करनी है कि जी मुझे अगले 6 महीने या अगले साल के अंदर जीन्स की कितनी डिमांड आएगी, तो मैं एग्रीगेट प्लानिंग तब यूज करूंगा। मैं एग्रीगेट प्लानिंग तब नहीं यूज कर सकता कि जी मुझे 38 साइज की कैजुअल फिट के अंदर ब्लैक जीन्स कितनी चाहिए होगी, नहीं, मैं इसको एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर सिर्फ यही निकाल सकता हूं कि मुझे कितनी जीन्स चाहिए होंगी, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की। तो एग्रीगेट प्लानिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि एग्रीगेट लेवल पे, हायर लेवल पे जाके आपको बताता है कि आपको चीज की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अब एग्रीगेट प्लानिंग अगर आप करते हो तो आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हो, फैसिलिटीज़ कैन बी यूज एफिशिएंटली। अगर आपको पता हो कि जी मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से फिर आप प्लान करते हो कि जी मुझे कितनी चीज़ कैपेसिटी, मुझे कितनी कैपेसिटी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैं कितनी चीज़ सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं कितनी चीज़ को इन्वेंट्री में रख सकता हूँ, अगर डिमांड बढ़े तो मैं उस इन्वेंट्री को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे काम जो है वो आपको एग्रीगेट प्लानिंग से पता चल जाता है। अब जाहरी बात है, एग्रीगेट किसी भी प्लानिंग को करने के लिए, एक तो प्लान आप जब कर रहे हो तो प्लान की एक आउटपुट निकलेगी कि जी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब प्लान करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी ये तो आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, लेट मी से कि आप प्लान कर रहे हो, तो जब आप प्लान करोगे उससे एक आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट क्या होगी, वो आपको बताएगी कि जी इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, इतनी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इतनी हम ले सकते हैं, इतनी हम इन्वेंट्री से। अब उसको जो इनपुट चाहिए कि जी प्लान करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या पैरामीटर्स चाहिए, वो हमें ये चाहिए कि जी आपका प्रोडक्शन रेट क्या है। प्रोडक्शन रेट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन रेट का मतलब होता है कि जी कितनी तेज़ी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो पर यूनिट टाइम के अंदर। आपको प्रोडक्शन बताता है कि अगर कोई फैक्ट्री है जो एक दिन में 14,000 जीन्स बनाती है, तो उसका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, 14,000 जीन्स या 14,000 यूनिट्स पर डे। फिर इसी तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी आपकी वर्क फोर्स क्या है, कितना नंबर है उसका, वर्क फोर्स से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जी क्या रेट है, आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है पर यूनिट आर के हिसाब से। इसी तरीके से ओवर टाइम का क्या रेट है, कितना ओवर टाइम लगाओगे तो कितनी आउटपुट वो देगा। मशीन की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि जी कि कितनी मशीन ओवरऑल कैपेसिटी कितनी। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी तो आप तो प्लान करोगे कि जी 10,000 चीज़ें इस मशीन ने बनानी है, उस मशीन की कैपेसिटी नहीं है 10,000 चीज़ें बनाने की, तो फिर देर विल बी इट विल नॉट सेटिस्फाई दी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ तो मुझे कितने पैसे लगेंगे। ये सारी की सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में डिस्कस करेंगे। आपको
आपको पता होना चाहिए बैकलॉग्स कितने हैं, आपके पास इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है। बैकलॉग्स का क्या मतलब होता है? बैकलॉग्स जो होते हैं, बेसिकली एक कस्टमर आपके पास आया, आपके पास चीज़ नहीं थी, आपने उसको कहा कि जी मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, और आपने उसकी जो डिमांड थी उसको बैकलॉग कर दिया। अगले महीने जब आपके पास चीज़ आई, आपने पहला काम क्या किया, जो पिछले महीने की डिमांड थी उसको पूरी कर दी। तो इसको बैकलॉग कहते हैं कि जब आपके पास चीज़ नहीं होती तो फिर आप अगले, जैसी आपके पास चीज़ आती है तो पहले कस्टमर को आप देते हो। All supply stages should work together on an aggregate plan that will optimize supply chain performance. ये वही पॉइंट जो मैं आपको बार बार हर चैप्टर के अंदर एम्फेसाइज करता हूँ कि जी सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन सारी स्टेजेस को प्लानिंग, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग सारे की सारी एक साथ करनी चाहिए। कभी भी आइसोलेशन के अंदर आप नहीं कर सकते किसी भी तरह की प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में करोगे तो जो सारी की सारी सप्लाई चेन है उसके सरप्लस अफेक्ट होंगे, या पूरी सप्लाई चेन का जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा। इसलिए किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग, किसी तरह की भी प्लानिंग कोशिश करनी चाहिए कि जी कोलैबोरेटिव हो। कोलैबोरेटिव होएगी तो ओवरऑल सप्लाई चेन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ओवरऑल सप्लाई चेन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल स्टेजेस के भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। गिवन द डिमांड फोरकास्ट फॉर ईच टाइम पीरियड इन द प्लानिंग होराइजन, डिटरमिन द प्रोडक्शन लेवल, इन्वेंट्री लेवल एंड द कैपेसिटी लेवल फॉर ईच पीरियड दैट मैक्सिमाइज द फर्म्स और द सप्लाई चेन प्रॉफिट ओवर द प्लानिंग होराइजन। अब आपको बता दिया गया कि जी एग्रीगेट प्लानिंग होती क्या है। एग्रीगेट प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं कि जी आपको पता हो चलता है कि मुझे कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी चीज़ की, मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कितनी करनी पड़ेगी, मुझे इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ेगी, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में मेरे पास स्टॉक आउट होगा। स्टॉक आउट और बैकलॉग एक ही चीज़ के दो रुख हैं। स्टॉक आउट जब होता है, जब आपके पास चीज नहीं होती स्टॉक के अंदर, तो तभी आपके पास दो पॉलिसीज हैं, आप बैकलॉग ना करो या आप बैकलॉग करो। जब आपके पास चीज खत्म हो जाती है तो स्टॉक आउट हो जाता है। स्टॉक आउट जब हो जाता है तो उसके बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप स्टॉक आउट के अंदर बैकलॉग कर सकते हो या आप बैकलॉग नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास चीज खत्म हुई, कस्टमर आपके पास आया, आपने उसको कहा जी चीज खत्म हो गई, आप चले जाएं, आपने कस्टमर को वो चीज नहीं दी, तो इसके अंदर क्या किया, आपने कोई बैकलॉग नहीं किया। दूसरा सिनेरियो क्या है, कस्टमर आपके पास आया, आपके पास चीज नहीं थी, आपने कस्टमर को कहा कि जैसी मेरे पास चीज आएगी मैं आपको सब नंबर वन प्रायोरिटी पे पहुंचाऊंगा, तो आपने क्या किया, आपने बैकलॉग कर लिया। तो एक केस के अंदर आपने कस्टमर को डिलीवरी का प्रॉमिस किया, दूसरे के अंदर डिलीवरी का प्रॉमिस नहीं किया जब आपके पास चीज खत्म हो गई या जब आपके पास स्टॉक आउट हो गया। तो एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो आपको बताता है कि जी हर टाइम पीरियड में कितनी आपको प्रोडक्शन लेवल चाहिए, इन्वेंट्री लेवल चाहिए, कैपेसिटी कितनी चाहिए, और ये एक स्पेसिफिक प्लानिंग होराइजन का बताता है कि जी किस प्लानिंग होराइजन के अंदर यू कैन, जो प्लानिंग होराइजन 3 to 18 months का मैंने आपको बताया ना, तो उसके इंडिविजुअल टाइम पीरियड में, लेट्स से कि जी मैं प्लानिंग होराइजन मेरा अगले 3 महीने है, 3 महीने है, तो इंडिविजुअल हर महीने के अंदर मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, मुझे कितनी प्रोडक्शन चाहिए, मुझे कितनी आप कह सकते हो लोगों को हायर करना है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर पता चलेगी। हर मंथ की यूनिट टाइम पीरियड, जितना भी आप यूनिट टाइम मंथ रखते हो तो मंथ रख लो, अगर आप वीक रखते हो तो हर महीने के अंदर 4 वीक्स या 3 वीक्स होते हैं। स्पेसिफाई द प्लानिंग होराइजन, प्लानिंग होराइजन आपके पास हमेशा 3 to 18 months होता है। क्यों 3 to 18 months की इसके अंदर बताई गई है, क्योंकि एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो इनपुट लेती है डिमांड फोरकास्टिंग से। अब डिमांड फोरकास्टिंग का क्या मतलब है कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आने लगी है। अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया है रिस्क मैनेजमेंट इन फोरकास्टिंग, कि आप जितनी दूर की फोरकास्ट करते हो उतनी वो इनएक्यूरेट होना शुरू हो जाती है। तो आप ज्यादा दूर की फोरकास्ट करोगे आपकी वो फोरकास्ट ज्यादा इनएक्यूरेट होगी। तो ये फोरकास्ट की साइड से जरा सी
वो है लेट से कि जी लिमिटेशन है 3 to 18 months एग्रीगेट। अगर आपको पता है सर्टेन डिमांड के जी अगले साल मुझे इतनी आनी आनी है, 19वें महीने में मुझे इतनी डिमांड आनी आनी है, तो फिर एग्रीगेट प्लानिंग फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर नॉर्मली एग्रीगेट प्लानिंग 3 to 18 months की जाती है। क्यों? क्योंकि जो डिमांड फोरकास्ट होती है उसकी फोरकास्टिंग की लिमिटेशन है कि ज़्यादा दूर तक आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू स्टिक विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द फोरकास्टिंग टेक्निक्स। अब एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। वी हैव टू स्पेसिफाई द की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एग्रीगेट प्लान। हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हमें कि जी प्रोडक्शन रेट क्या है, कैपेसिटी हमारी क्या है, हम ओवर टाइम देंगे तो कितना देंगे, वर्क फोर्स की क्या हमारे पास कैपेसिटी है, सब कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो कितनी क्वांटिटी के अंदर कर सकते हैं, किस रेट पे कर सकते हैं, बैकलॉग्स को हमने किस तरह हैंडल करना है, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी ऑन हैंड है और कितनी हमें और ज़रूरत है, मशीन्स जो हमने लगाई हुई हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, ये सारी की सारी आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो लेट मी गो इन टू डिटेल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीगेट प्लानिंग। कि जी एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट फॉर ईच टाइम पीरियड टी ओवर टी पीरियड्स। अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है कि जो डिमांड आने लगी है उसको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करने का क्या मतलब है कि जी लेट से कि जी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं आपके पास, उसी जीन्स की एग्जांपल देता हूँ, तो जो ब्लू जीन्स थी वो हमारे पास 38 साइज के अंदर 20 यूनिट्स बिकी। इसी तरह से ब्लू जीन्स जो थी उसके अंदर 36 साइज के अंदर 40 यूनिट्स बिकी। ब्लू जीन्स थी उसके अंदर 34 साइज जो था उसके अंदर 60 यूनिट्स बिकी। इसी तरीके से और स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्या थी कि जी ब्लैक जीन्स थी उसके अंदर 38 साइज के अंदर 20 यूनिट्स बिकी। इसी तरीके से ब्लैक जीन्स थी 36 साइज के अंदर 100 यूनिट्स बिकी। ब्लैक जीन्स थी उसके अंदर 34 साइज के अंदर 80 यूनिट्स बिकी। तो अब आपने क्या करना है, आपने SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को एग्रीगेट करना है। तो एग्रीगेट करने का क्या मतलब होना है, एड अप करना है कि जी ओवरऑल कितनी जीन्स बिकी। तो ओवरऑल जीन्स कितनी बिकी हमारे पास, ब्लैक जीन्स जो थी वो 120 बिकी और ये जो थी ये हमारे पास जो ब्लू जीन्स थी वो हमारे पास 120 बिकी और ब्लैक जीन्स जो थी वो हमारे पास ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स बिकी। तो अब हमने एग्रीगेट डिमांड करके क्या किया, वी हैव टू एग्रीगेट डिमांड। तो आपके पास लेट से कि जी हिस्टोरिकल डाटा से आपको पता चला कि पिछले महीने हमारे पास हमें जो टोटल जीन्स की रिक्वायरमेंट थी वो 320 की थी। अब आपने फोरकास्ट करनी है डिमांड फोरकास्ट के जी अगले महीने या अगले 3 महीने या अगले 6 महीने में हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपने एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट, जिस प्लानिंग होराइजन के लिए आप एग्रीगेट प्लानिंग करने जा रहे हो उसके लिए आपने पहले फोरकास्ट करनी है एग्रीगेट लेवल पे कि जी हमें 320 यूनिट्स ऑफ जीन्स की डिमांड आई थी। तो अब आपने ओवर द टाइम होराइजन के जी जिस टाइम होराइजन के लिए आपने यूज़ करना है, जिस विंडो ऑफ टाइम के लिए आपने एग्रीगेट प्लानिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी डिमांड को एग्रीगेट करना है, डिमांड को फोरकास्ट करना है, एग्रीगेटेड फोरकास्ट करनी है। उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो लेबर कॉस्ट होती है कि आप अपने लेबर को कितना दे रहे हो। अब ये देखें प्रोडक्शन कॉस्ट जो नॉर्मली, ये मैंने आपको पहले भी सप्लाई चेन के जो परफॉर्मेंस मेजरिंग मेट्रिसेस थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन के डिफरेंट, आई थिंक इट वाज चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जी जब भी आप किसी भी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेट्रिसेस कौन सी होती हैं, तो उसके अंदर लेबर कॉस्ट भी मैंने आपको पढ़ाई थी। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है लेबर कॉस्ट कि जी आप रेगुलर टाइम पे कितना दे रहे हो और जब आप ओवर टाइम देते हो तो कितना देते हो। लेट से कि जी आप अपने एक लेबर को 30 रुपीज़ पर आर या $30 पर आर दे रहे हो और जब वो ओवर टाइम काम करता है तो उसको आप 40 रुपीज़ पर आर देते हो, तो ये डिफरेंट लेबर कॉस्ट हो जाती है।
है, ओवर टाइम के अंदर अगर आप हॉलीडेज में उसमें काम कराते हो तो उसमें कितना रेट देते हो, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि रेगुलर टाइम में जब आपका एक लेबर काम करता है तो कितने कॉस्ट में करता है, जब वो ओवर टाइम करता है तो वो कितनी कॉस्ट में करता है, अगर वो हॉलीडेज में काम करे तो वो कितनी कॉस्ट होगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट आपके पास दूसरी चीज़। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर अभी इस चैप्टर तक तो हम सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ही पढ़ेंगे, अगर जब हम आगे प्रैक्टिकल केसेस के अंदर देखते हैं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की दो डायमेंशंस होती हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट क्या है कि जी अगर मैं किसी चीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या कॉस्ट है, और कितनी क्वांटिटी में मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कितनी क्वांटिटी में मैं चीज़ दूसरे से मंगवा सकता हूँ, और इसके अंदर तीसरी जो डायमेंशन होती है कि कितने टाइम के अंदर मैं ये चीज़ मंगवा सकता हूँ। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है उसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कितनी प्राइस होगी, कितनी क्वांटिटी में मैं मंगवा सकता हूँ, और कितने टाइम के बाद, यानी कि आप अगर आज ऑर्डर करते हो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको मिलेगी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है कि जी अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ वही चीज़ बनाने के, उसी क्वालिटी की चीज़ बनाने के लिए। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जब भी आप करते हो तो आपको कॉस्ट देखनी होती है। क्वांटिटी क्यों देखनी होती है कि वो भी किसी फिजिकल प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे बनेगी ना, तो जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन होगी क्वांटिटी की, उसके पास प्लांट इतना बड़ा नहीं है, उसके पास कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है, या वो और लोगों को भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। तो इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी पर यूनिट अगर आप लेबर को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी पर यूनिट आर क्या है, पर यूनिट प्राइस क्या है, और अगर आप कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट क्या है पर यूनिट। तो अगर लेबर आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास लेबर नहीं है, आप किसी और एक्स्ट्रा लेबर को ले रहे हो तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, और जब आप कोई प्रोडक्ट किसी सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी के अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज़ आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, मशीन रिसोर्सेज आ जाते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी आपकी होती है कि आपके पास कितने फिजिकल ह्यूमन मशीन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कोई चीज़ बना सकें, ठीक है। तो उसके अंदर कैपेसिटी कितना आपके पास हायरिंग कितना लेबर है, लेबर को अगर आपने बढ़ाना है उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा करने हैं लेबर को तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर आपने लेबर को कम करना है तो उस पर क्या कॉस्ट लगेगी, मशीन्स आपके पास कितनी है, मशीनों की कैपेसिटी बढ़ाएं तो उसमें कितनी कॉस्ट है, तो ये सारी की सारी आपके पास कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटीज़ भी होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए लेबर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप एग्रीगेट प्लान बनाने जा रहे हो। एग्रीगेट प्लान बनाने का सबसे पहला स्टेप है आपके पास डिमांड फोरकास्ट होना ज़रूरी है, एग्रीगेटेड डिमांड फोरकास्ट होना ज़रूरी है। एग्रीगेटेड डिमांड फोरकास्ट होने के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन के जी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होनी है, इसी तरीके से आगे लेबर पर मशीन कॉस्ट, ये सारी भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर वो होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम एग्रीगेट प्लानिंग के जाते हैं। तो और कौन सी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो हमने देख ली, अब दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जी लेबर पर मशीन रिक्वायर्ड पर यूनिट। अब ये इंफॉर्मेशन भी बड़ी ज़रूरत है कि जी अगर आप एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें कितने लेबर आ जाते हैं और कितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और मशीनों का कितना टाइम इस्तेमाल होता है। तो किसी भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी होना एग्रीगेट प्लानिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जी मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर कितने रिसोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आपके जो लेबर है और जो आप मशीन का टाइम यूज़ कर रहे हो, मशीन जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो सारे की सारी कॉस्ट आ रही है वो सारे की सारे आपके रिसोर्सेज हैं। तो आपको पता होना चाहिए लेबर एंड मशीन आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए एग्रीगेट प्लानिंग करते हुए कि जी आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट क्या है। अगर आप कहते हो कि लेट से कि प्लान करना है कि अगले महीने मैंने इतनी चीज़ बनानी है, ठीक है, या 3 महीने बाद मैंने इतनी चीज़ बनानी है, अब लेट से कि जी डिमांड के अंदर सीजनैलिटी आ रही है
कि जी इसके अंदर पीक्स आ रही हैं, आपको पता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतनी नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आप लेट से कि जी आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो टाइम पीरियड है जब डिमांड कम होगी मैं इसको चीज़ बनाऊंगा मगर मैं इन्वेंट्री में स्टोर करता जाऊंगा, जैसी पीक डिमांड पीक आएगी तो मैं अपनी इन्वेंट्री से चीज़ निकालना शुरू कर दूंगा। तो फिर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आपका कितना पैसा लगता है हर यूनिट को स्टोर करने के, सिंगल यूनिट को स्टोर करने के लिए फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कि जी अगर मैं एक जीन्स एक साल के लिए या एक महीने के लिए अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करता हूं तो मेरा कितना पैसा लगेगा, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एग्रीगेट प्लानिंग के लिए। स्टॉक आउट और बैकलॉग कॉस्ट, स्टॉक आउट हो जाए तो क्या होता है, स्टॉक आउट की भी एक कॉस्ट होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर देते हैं जब आप स्टॉक आउट होता है। देखें दो ही आउटकम्स है ना, या तो आपके पास चीज़ है, आपका कस्टमर आया आपसे चीज़ लेके चला गया, आपने उससे मुनाफा कमा लिया, या उससे जो आपने मॉनिटरी बेनिफिट्स उठाने थे उठा लिए। दूसरा केस क्या है, आपके पास कस्टमर आया आपका स्टॉक आउट हुआ है, आपके पास चीज़ ही नहीं है, तो वो जो है कस्टमर वापस चला गया, दैट इज योर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इसकी स्टॉक आउट या बैकलॉग की जो कॉस्ट होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। बैकलॉग की कॉस्ट हम नॉर्मली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक आउट की तो कॉस्ट जरा इजी होती है कैलकुलेट करना, बैकलॉग की जो कॉस्ट होती है वो जरा डिफिकल्ट होती है। बैकलॉग के जरा प्रोसीजर हम देखते हैं कि जी कस्टमर आपके पास आया, आपके पास चीज नहीं थी, यू वर इन स्टॉक आउट, तो अब आपने उसको कहा कि मैं आपको चीज पहुंचा दूंगा एट द टाइम आई रिसीव द प्रोडक्ट, तो अब क्या इसके अंदर कौन सी कॉस्ट है, कस्टमर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है कि जी उसको बैकलॉग करना है कि इसको इतनी क्वांटिटी चाहिए, जैसी चीज आएगी आप उसको वो चीज पहुंच जाओगे। अब इसके अंदर कॉस्ट हैं कि जी जो आपने इंफॉर्मेशन कीपिंग की है, और दूसरी कॉस्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जी कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई होके चला जाता है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैकलॉग कॉस्ट होती है इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, मगर देयर आर वेज इन विच वी कैन क्वांटिफाई द बैकलॉग कॉस्ट, और ये डिपेंडेंट भी होती है डिफरेंट बिजनेसिस पे, प्रोडक्ट से कौन सी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये इट इज dependent on the it is dependent on a lot of variables, तो इसलिए ज़रा difficult होती है। अब एग्रीगेट प्लानिंग जब आप करते हो तो आपकी कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं कि जी आप आपके लेबर लॉज होते हैं विच प्रोवाइड अ कंस्ट्रेंट या विच पुट अ कंस्ट्रेंट ऑन यू कि जी आप इससे ज़्यादा लेबर्स इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं लगवा सकते किसी लेबर से, आप किसी लेबर को ले ऑफ करोगे या नहीं करोगे वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। आपके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी के आपके पास कितना पैसा है, अगर आप फोरकास्ट प्लान कर देते हो कि मैं 10,000 चीज़ें बनाऊंगा, आपके पास इतना पैसा है अभी कि जी आप 10,000 चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूज़ करके उन 10,000 चीज़ों को बना सको। इसी तरीके से सप्लायर्स की आपकी तरफ से कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं हमें अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं जब हम एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास वही बात कि जी जब आपने एग्रीगेट प्लानिंग करनी है तो एग्रीगेट प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट पता होनी चाहिए, फिर ये जो स्लाइड के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन डिस्कस किया है ये पता होनी चाहिए, फिर आप एग्रीगेट प्लान करके आपके पास एक आउटपुट निकलती है कि जी वो आउटपुट क्या होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दी आउटपुट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग की क्या आउटपुट्स हैं, आप किसी भी प्लानिंग प्रोसीजर के अंदर एक इनपुट होती है विच इज़ दी इंफॉर्मेशन, और उसके आउटपुट पे भी एक इंफॉर्मेशन होती है। ये आपने प्लान किया, प्लान के लिए आपने कोई इंफॉर्मेशन डाली, प्लान करने के बाद आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट इज़ दी आउटपुट। अब प्रोडक्शन क्वांटिटी फॉर रेगुलर टाइम, ओवर टाइम एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइम, एग्रीगेट प्लानिंग आपको बता देता है कि आपको कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी चाहिए, रेगुलर टाइम पीरियड में आप इतनी कर सकते हो, ओवर टाइम पीरियड यूज़ करके आप इतनी कर सकते हो, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके आप इतनी कर सकते हो।
एग्रीगेट प्लानिंग आपको ये भी बताता है कि आप कितनी इन्वेंट्री होल्ड करोगे, आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितनी होल्ड करोगे ऑन एवरेज, और कितनी ओवरऑल जब ये डिमांड आएगी तो आपका क्या सिचुएशन होगी इन्वेंट्री की। आपको ये बताता है कि बैकलॉग्स एंड स्टॉक आउट्स की क्या क्वांटिटी होगी। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए बैकलॉग्स एंड स्टॉक आउट्स की क्वांटिटी, तो आप अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस कर सकते हो कि जी इस इन्फॉर्मेशन से फिर आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि हमारी देखो आहिस्ता आहिस्ता बैकलॉग एंड स्टॉक आउट क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, तो अब हम क्या करें, हम अपनी कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी चाहिए। तो दिस विल गिव यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग। मशीन कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज आपको ये भी बता देता है कि जी आपको आपके पास जो मशीनें लगी हैं उनकी कितनी यूटिलाइजेशन होगी, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीगेट प्लानिंग से पता चलती है। एग्रीगेट प्लानिंग अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करोगे, अ पुअर एग्रीगेट प्लान, अगर आप अपने प्लानिंग को बेहतर तरीके या एफिशिएंट तरीके से या सही तरीके से नहीं करोगे तो आपके क्या नुकसान होंगे। पहला नुकसान होगा कि जी आपने प्लानिंग सही नहीं की, आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी सही नहीं बनी, आपकी जो सेल्स है वो कम ज़्यादा हो कम होंगी क्योंकि, या आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, या आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो सकती है, तो या आपके पास कैपेसिटी जो आपने प्रोडक्शन लगा ली है प्रोडक्शन प्लांट वो ज़्यादा हो सकता है। तो एग्रीगेट प्लानिंग जो है वो आपको क्या क्या बताती है, वो आपको बताती है कि जी कितनी चीज़ आपने बनानी है रेगुलर टाइम पे, ओवर टाइम पे, सब कॉन्ट्रैक्ट कितनी करोगे, इन्वेंट्रीज कितनी आपने होल्ड करनी है, बैकलॉग्स कितने होंगे, स्टॉक आउट्स कितने होंगे, मशीन कैपेसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मशीनें लगाने की ज़रूरत है, किस किस कैपेसिटी की मशीन होनी चाहिए। अगर आप एग्रीगेट प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो यू कैन हैव दीज प्रॉब्लम्स, आपके पास इन्वेंट्री भी एक्सेस में आ सकती है, आपकी सेल्स भी अफेक्ट हो सकती हैं, आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं, और आपकी जो कैपेसिटी है उसके अंदर भी अफेक्ट्स पड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हम एग्रीगेट प्लानिंग करते हैं तो हम क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। लेट्स से एग्रीगेट, लेट्स सी, एग्रीगेट यूनिट शुड बी आइडेंटिफाइड इन अ वे दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन प्रैक्टिस। अब एग्रीगेट यूनिट क्या होता है, एग्रीगेट यूनिट मैंने आपको बताया ना कि जी एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो एग्रीगेट लेवल पे होती है या हायर लेवल पे होती है। तो अब आपके पास लेट्स से कि आपकी जो फैक्ट्री है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है एक ही फैमिली की। लेट्स से कि मैं साबुन बनाता हूँ, तो साबुन एक मैं सेंटेड साबुन बना रहा हूँ, एक रंगीन साबुन बना रहा हूँ, एक गोल बना रहा हूँ, एक चकोर बना रहा हूँ, डिफरेंट वैरायटीज मगर हैं वो साबुन ही। तो एग्रीगेट प्लानिंग आपको बताएगा कि आपको कितनी साबुन की ज़रूरत है, ये नहीं बताएगा कि तुमने इतना जो है स्क्वायर वाला इस तरह इतनी क्वांटिटी में बनाना है, सेंटेड इतनी क्वांटिटी में बनाना है। एग्रीगेट यूनिट जो होती है फिर उसके लिए क्या करना, जब आप एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हो तो फिर आपको एग्रीगेट यूनिट बतानी पड़ती है कि जी जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, तो एग्रीगेट यूनिट इज सोप। अब सोप की सेंटेड सोप, राउंड सोप, स्क्वायर सोप, तो ये डिफरेंट आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, मगर ये आपके पास एग्रीगेट यूनिट है कि जी सोप। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जी मेरी एग्रीगेट यूनिट क्या है। आपको ये भी देखना पड़ता है, फोकस ऑन दी बॉटल नेक्स व्हेन सेलेक्टिंग द एग्रीगेट यूनिट्स एंड आइडेंटिफाई कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन टाइम्स। बॉटल नेक्स आपके प्रोसेस के अंदर क्या है उन पर फोकस करें। बॉटल नेक्स का क्या मतलब होता है, वो जगह जहाँ प्रोसेस के रुकने या अरेस्ट होने रुकना या स्लो होने का डर होता है। अकाउंट फॉर एक्टिविटीज सच एज सेटअप एंड मेंटेनेंस। अब एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर आपको सबसे पहला स्टेप तो डिमांड फोरकास्ट आ गई, उसे आपने एक एग्रीगेट प्लान बना लिया। एग्रीगेट प्लान बनाने के लिए आपको यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जी मेरी एग्रीगेट यूनिट क्या है, मैं किस चीज को एग्रीगेट करके बना रहा हूं। अब मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, उसको एग्रीगेट करके आपने एक सोप के अंदर एग्रीगेट कर लिया, या उसको एक हायर लेवल पे लाके एक
एक एग्रीगेट लेवल पे ले आए। आप जब एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जी आपकी बॉटल नेक्स क्या है। बॉटल नेक्स क्या होती हैं? वो जगह आपके प्रोसेस के अंदर जहां आपका प्रोसेस स्लो होने या आपके प्रोसेस का स्टॉप होने का खतरा होता है। और यू ऑल्सो हैव टू कीप इन अकाउंट सेटअप टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है और मेंटेनेंस टाइम क्या होता है। अब मेरी फैक्ट्री है, उसके अंदर मैं वही सोप की एग्जांपल से चलता हूँ, उसके अंदर ये तीन तरह के सोप बनाए जा सकते हैं। पीछे सोप का एक रिजर्वायर है या एक इन्वेंट्री है, उससे मैं आगे एक मशीन में डालता हूँ, वो मशीन क्या करती है सोप को शेप्स देती है। तो शेप्स देती है तो वो राउंड वाला भी बना सकती है और वो स्क्वायर वाला भी बना सकती है। अब राउंड वाला बनाएगा तो उसके लिए मुझे कोई टूल लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ उसके अंदर लगानी पड़ेगी कि वो राउंड सोप बनाए। अगर वो स्क्वायर बनाएगी तो उसके लिए मुझे उसकी टूलिंग चेंज करके फिर नए टूल्स लगाने पड़ेंगे या नए डाइज लगाने पड़ेंगे जिससे वो स्क्वायर शेप का सोप बनाए। तो ये क्या है, इसको कहते हैं सेटअप टाइम। तो आपको सेटअप टाइम भी अकाउंट करना पड़ता है कि अगर मैं राउंड एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट करूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो इसको सेटअप टाइम कहा जाता है। मेंटेनेंस क्या होती है कि जी हर मशीन जो होती है उसकी जब उसकी जो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बताता है कि ये मशीन 10 घंटे तक कंटिन्यूसली काम करेगी, फिर उसके बाद आपने इसका ये पुर्जा चेंज करना है। जिस तरह गाड़ी की होती है ना, गाड़ी की बुक के अंदर आता है कि ये गाड़ी हर 5000 किलोमीटर के बाद आपने इसका तेल और ऑयल फिल्टर चेंज करना है और एयर फिल्टर चेंज करना है, हर 10,000 के बाद आपने इसके इग्निशन स्विच चेंज करने हैं। तो ये क्या है, ये मेंटेनेंस है मशीन की। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल मशीन्स भी जो होती हैं उनकी भी मेंटेनेंस गाइड आती है कि जी इतने घंटे बाद, इतने घंटे ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन, 10,000 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन के बाद आपने इसकी ये चीज़ें चेंज करनी है। तो इसको मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ये भी जाहिर बात है मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ भी टाइम कंज्यूम करती हैं, पैसा कंज्यूम करती हैं, सेटअप भी आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो जब आप एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपको सेटअप टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग विद अ सिंपल एग्जांपल। आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम है रेड टोमेटो टूल्स। अब उसने उसके पास वो कंपनी या लेट्स से कि दैट प्रोडक्शन प्लांट या दैट फैसिलिटी, इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक फैमिली ऑफ टूल्स वो बनाती है, लेट्स से कि वो फैमिली ऑफ टूल्स ए है, बी सी डी ई एफ। वो जो है ये जो रेड टोमेटो टूल्स जो है, इट मेक्स 6 टाइप्स या 6 फैमिली ऑफ टूल्स, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट पैसे लगते हैं उसके। अगर एक कंपनी है वो रेंच बना रही है, कोई स्क्रू ड्राइवर बना रही है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, डिफरेंट फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो उनकी डिफरेंट चीज़ें जब आप बना रहे हो तो उनके अंदर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट आ गई। अब आपने उन हर चीज़ के अंदर अपनी कॉस्ट होती है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर बनाओगे तो उसके अंदर एक कॉस्ट लगेगी, अगर आप रेंच बनाओगे तो उसके अंदर दूसरी कॉस्ट लगेगी, अगर प्लास बनाओगे तो उसके अंदर तीसरी कॉस्ट लगेगी। तो हर चीज़ की अपनी कॉस्ट होती है, हर चीज़ का अपना एक सेटअप टाइम होता है, एक लेबर रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट मी गिव यू अब इस स्लाइड के अंदर जो बेसिक मेरा पॉइंट है कि जी आपने एग्रीगेट यूनिट किस तरह निकालनी है। जब आप एग्रीगेट प्लानिंग करने जा रहे हो तो अब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि जी कंपनी बहुत सारी चीज़ें बना रही है। अब उस कंपनी ने प्लान करना है कि मैं अपनी कितनी कैपेसिटी लगाऊं, कितनी कम करूं। तो वो जो प्लान उसने करना है उसके लिए वो क्या कर सकती है, सबसे पहले उसने एग्रीगेट यूनिट आइडेंटिफाई करनी है, जो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर पहला पॉइंट बताया, यू हैव टू आइडेंटिफाई एन एग्रीगेट यूनिट। तो एग्रीगेट यूनिट, अब आपके पास एग्जांपल है कि जी ये कंपनी मल्टीपल चीज़ें बना रही है, एक ही तरह एक है, इट्स अ टूलिंग कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बना रही है, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ टूल बना रही है। अब हर टूल की अपनी जो है वो कॉस्ट है, ठीक है, कि जी उसके अंदर मटेरियल जो है वो इतने का लगता है। पर फैमिली ए का अगर आप कोई टूल बना रहे हो तो उसके अंदर $15 पर यूनिट लगता है, फैमिली बी के अंदर $7, फैमिली सी के अंदर 9, 12, 9,
13. अब हर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट के अंदर अपनी कॉस्ट उसकी है, अब वो हर प्रोडक्ट जो है उसकी अपनी रेवेन्यूज भी हैं कि उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, या उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है उससे उतना आपको पैसा मिलता है. अब जब आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो, फैमिली ए बनाते हो, तो उसका अपना एक सेटअप टाइम भी है हर बैच के लिए. आपने मशीनों को रीफ कन्फिगर करना है, मशीनों को सेटअप करना है, तो उसका जो कोई टाइम है वो भी उसके अंदर आ रहा है. बैच जो है, एक बैच को बनाने के लिए आपको सेटअप टाइम कितना रिक्वायर्ड है, 8 घंटे. कि जी अब मैं फैमिली बी बना रहा था, अब मैंने फैमिली ए बनानी है, तो मैंने फैमिली ए के लिए जो मेरे पास सेटअप है उसको चेंज करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो वो जो उसका सेटअप टाइम है दैट इज़ अबाउट 8 आवर्स. बैच का साइज कितना है कि जी हर बैच के अंदर मैं 50 यूनिट्स बनाता हूँ, तो अब उसका प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट कितना होगा, प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एक बैच को बनाने में कितना प्रोडक्शन टाइम लगता है, वो इतना लगता है. अब नेट टाइम, अब मैंने आपको कहा ना कि जी एग्रीगेट प्लानिंग जब आप करते हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जी यू हैव टू अकाउंट फॉर सेटअप एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज. तो अब इसकी अब देखें कि जी आप एक बैच बनाते हो तो उसका सेटअप टाइम 8 घंटे है, उसका बैच का जो साइज है वो 50 यूनिट्स का है. अब उसका प्रोडक्शन टाइम के जी अगर आप एक बैच बनाते हो तो उसके अंदर इतना टाइम लगता है, 5.6 आवर्स लगता है. मगर दिस इज द प्रोडक्शन टाइम कि अगर आप एक बैच बनाते हो 50 चीजों का ऑफ प्रोडक्ट फैमिली ए, तो उसमें आपको 5.6 आवर्स लगेंगे. मगर नेट कितना है, नेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट क्या है, नेट प्रोडक्शन टाइम के अंदर हमने ये भी ऐड करना है कि जी हमने मशीनों को सेटअप भी तो किया था, तो वो सेटअप टाइम कहाँ जाएगा. तो वो सेटअप टाइम हम किस तरह से इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जी जो प्रोडक्शन टाइम है कि जी 5.6 आवर्स तो हमारे लगे इन 50 चीज़ों को बनाने में, एक बैच को बनाने में, प्लस जो 8 घंटे हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे हर बैच के साइज से, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज पर यूनिट प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें कितना एड अप होगा टाइम. तो 5.6 आवर्स तो हमारा वैसे लगेगा प्रोड्यूस करने में, प्लस हमारे पास जो 8 घंटे थे सेटअप के वो हमने ये जो बैच का साइज है उस पर डिवाइड कर दिया, तो हमें पर यूनिट टाइम पता चल जाएगा कि जी हर यूनिट चीज को बनाने में सेटअप टाइम कितना हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जब हम इसको एडअप करेंगे तो आपके पास नेट प्रोडक्शन टाइम आ जाएगा कि जी आपको 5.76 आवर्स लगे हैं फैमिली ए बनाने में. अब ये इंफॉर्मेशन जो है एग्रीगेट लेवल पे आ गई है कि जी अगर आपने प्रोडक्ट फैमिली ए बनानी है तो आपके पास जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, वो इतना नहीं होगा, वो इतना होगा. दिस इज दी ये एग्रीगेट प्लानिंग में इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डालते हैं. ओवरऑल जो सारी एक्टिविटीज हमें चाहिए उन सारी एक्टिविटीज को हम एग्रीगेट करते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं और फिर उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग करते हैं. फिर आगे आपके पास डिफरेंट शेयर्स परसेंटेजेस लिखी हैं कि जी परसेंटेज शेयर ऑफ यूनिट सोल्ड के जो ये कंपनी टूल्स बनाती है उनमें से फैमिली ए 10% बिकती है, बी जो है वो 25% बिकती है, सी जो है 20% बिकती है, डी जो है 10% बिकती है, ई जो है वो 20% बिकती है, और एफ जो है वो ओवरऑल उसकी 15% बिकती है. तो अब हम कैसे कर सकते हैं, अब हमने देखना हो कि जी मैं किस तरीके से मैंने मुझ लेट मी से कि जी मैं ये कहना चाह निकालना चाहता हूं कि जी मेरा ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे रेवेन्यू कितना होगा, कि जो मैं ये सारी चीजें बना रहा हूं, सारी फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मेरा एग्रीगेट लेवल पे प्रॉफिट कितना है, अगर मैं एक यूनिट बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा. अब मेरा 100% जो यहाँ परसेंटेज बता दी गई है कि जी 100% चीज़ें जो मैं बनाता हूँ उनका कितना परसेंट ये डिफरेंट चीज़ें बिकती हैं, फैमिली ए 10% बिकती है, फैमिली बी, तो ये सारा एडअप होकर 100% बन जाता है कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसका इतना परसेंटेज इस चीज़ में बिक जाता है, इतना परसेंटेज इस चीज़ में. अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक चीज़ बेचूँ एग्रीगेट लेवल पे, अगर मैं प्लान करना चाहता हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ तो मुझे उसमें कितना रेवेन्यू मिलेगा. एग्रीगेट प्लानिंग के लिए हमें यूनिट ये इन्फॉर्मेशन चाहिए.
अब मैं कहता हूं कि जी मैं अगर एक चीज बनाऊं या एक चीज बेचूं तो मुझे कितना फायदा होगा रेवेन्यूज में, तो वो किस तरह निकाला जा सकता है? वो बहुत सिंपल इजी सा तरीका है कि जी आपकी जो परसेंटेज जो उसकी सेल्स हैं और परसेंटेज रेवेन्यू, आप उसको कर लें कि जी प्रोडक्ट ए जो है उससे हमें 10% मुनाफा होता है, प्रोडक्ट ए से हमें एक चीज़ बेचने में $54 या ₹54 का फ़ायदा होता है, मैं ओवरऑल कितनी बेचता हूँ 1% बेचता हूँ, प्लस जो प्रोडक्ट बी है उससे मैं $30 या ₹30 का मुनाफा निकालता हूँ, कितना परसेंट बेचता हूँ वो मैं दैट इज़ अबाउट 0.25% बेचता हूँ, 25% इसी तरीके से 39 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसी तरीके से आप अगर निकाल लो 49 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 36 इंटू 0.2 प्लस 48 into 0.15, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि जी ओवरऑल जो आप रेवेन्यूज कमा सकते हो, रेवेन्यूज पर एग्रीगेट प्रोडक्ट दैट इज अबाउट, अगर आप एक चीज बेचो आपका प्लांट जो रेवेन्यूज पर यूनिट प्रोडक्ट से कितना कमाया जा सकता है, कि ये प्लांट जो एक चीज अगर बेचे तो उससे ऑन एग्रीगेट लेवल कितना रेवेन्यू कमा सकता है। इसी तरीके से ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जी अगर मैं 10 चीजें बनाऊंगा, इट डजेंट रियली मैटर कौन सी फैमिली के बनाऊं, मैं इन फैमिली में, अब हम एग्रीगेट लेवल पे आ रहे हैं, हम इस चीज को नहीं सोच रहे कि जी ए की बना रहा हूँ, बी की बना रहा हूँ, सी की, अब हम एग्रीगेट लेवल पे प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो अब आपके पास ये सारी चीजें बन रही हैं एक जगह पे, उनकी परसेंटेज जो परसेंटेज ऑफ सेल्स इतनी है, अब आप कहते हो कि इन चीजों से रेवेन्यू इतना हमारे पास आ रहा है, तो अगर मैं एक चीज बेचूं तो मेरे पास कितना रेवेन्यू होगा, तो वो हमारे पास $40 आ गया। अगर मैं 10 चीजें बेचूंगा, आप इट डजेंट रियली मैटर मैं कौन सी फैमिली की, कौन सी प्रोडक्ट फैमिली बेचता हूँ, अगर मैं 10 चीजें बेचूंगा तो इसका मतलब ये है कि जी मैं कितना रेवेन्यू कमा सकता हूँ, 40 × 10 $400 से इतना रेवेन्यू कमा, ये एग्रीगेट लेवल पे हम आ गए। अब मैं कहता हूँ कि जी मैं ये डिफरेंट फैमिलीज बनाता हूँ, अब इन फैमिलीज ऑफ टूल्स के अंदर मेरा इतना मटीरियल कॉस्ट लगता है, मटेरियल कॉस्ट एक पहली के अंदर $15 लगता है, दूसरी के अंदर 7, तीसरी के अंदर 9, चौथी के अंदर 12, पांचवी के अंदर 9 और छठी के अंदर 13। अब मैंने प्लान करना एग्रीगेट लेवल पे कि यार अगर मैं एक चीज बनाता हूँ तो मुझे कितनी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, तो वो भी बड़ा इजीली उसी तरीके से हम निकालेंगे कि जी आपकी जो है जो इनिशियली लेट मी राइट इट हेयर कि जी आपके पास $15 लगता है एक चीज बनाने के लिए, प्रोडक्ट फैमिली ए की एक यूनिट बनाने के लिए, तो उसकी सेल्स की परसेंटेज कितनी है इतनी, फिर इसी तरीके से हम 7 × 0.25 प्लस 9 × 0.20 प्लस 12 × 0.1 प्लस 9 × 0.2 प्लस 13 × 0.15, तो ये अब आपके पास लेट से कि जी इसके अंदर कितनी कॉस्ट आ जाएगी कि अगर हम एक चीज़ बनाते हैं तो हमें मटेरियल कॉस्ट उसके अंदर $10 लग जाएंगे। तो एग्रीगेट प्लानिंग के लिए हम इस तरह से एग्रीगेट यूनिट्स इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, हमने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं मगर हमने अब इससे क्या किया, मटेरियल कॉस्ट निकाल ली है कि जी अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर हमने रेवेन्यूज़ का भी देख लिया कि जी अगर मैं एक चीज़ बेचता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, हमने इसे प्रोडक्शन टाइम्स भी निकाल ली हैं कि जी नेट प्रोडक्शन। अब मैं आपको ये कहूँ कि जी मेरा इतनी सारी, मैं ये जो एग्जांपल है इसके अंदर इतनी सारी प्रोडक्ट फैमिलीज बन रही हैं और उनके सारों के नेट प्रोडक्शन टाइम इतने हैं पर यूनिट, मुझे बताएं कि जी पर यूनिट अगर मैं एक चीज, इट डजेंट रियली मैटर कि जी कौन सी चीज बनाता हूँ, ए बनाता हूँ, बी बनाता हूँ, सी, मुझे बताएं कि जी मेरा प्रोडक्शन टाइम, नेट प्रोडक्शन टाइम कितना होगा पर यूनिट का, तो कितना होगा, इसी तरीके से निकालेंगे जो ये वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स कर देंगे, तो इट इज
दिस इज़ हाउ वी डू एग्रीगेट प्लानिंग. एग्रीगेट प्लानिंग का पहला स्टेप है कि जी एग्रीगेट यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है. हमने एग्रीगेट यूनिट्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं कि जी अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ तो उसमें मेरा कितना मटीरियल लगेगा, अगर मैं एक चीज़ बेचता हूँ तो उसके अंदर मेरा कितना फ़ायदा होगा, अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा. तो ये सारी की सारी एग्रीगेट प्लानिंग के लिए हम अभी अपना सारे का सारा स्टेज सेटअप कर रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी और डिटेल के अंदर जाएंगे. आई थिंक आज के लेक्चर को लेट मी समराइज बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर. मैंने आपको बड़ा ओवरऑल ये बताया कि जी एग्रीगेट प्लानिंग होती क्या है, एग्रीगेट प्लानिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो बॉटलनेक्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई किया, एग्रीगेट प्लानिंग है क्या, उस वो ये एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, प्लान करके हम कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ये इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है. हमें पता होना चाहिए कि जी हमारी एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट कितनी है, हमारी एग्रीगेट लेवल पे कंबाइंड लेवल पे हमारी डिमांड कितनी आने लगी है, उस टाइम होराइजन के लिए कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए. हमें पता होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट क्या है, लेबर टू मशीन रेशोज़ क्या है. हमें इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए, स्टॉक आउट एंड बैकलॉग कॉस्ट पता होनी चाहिए. हमारी कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट तो नहीं है क्या, हमने कोई जो हमारी लेबर है उसके साथ हमने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स तो नहीं किए जो हम पे कंस्ट्रेंट डालते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए. ले ऑफ हम कितना कर सकते हैं, हायरिंग हम कितनी कर सकते हैं, हमारी सप्लायर्स की क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब हम कर रहे होते हैं एग्रीगेट प्लानिंग तो ये हमें इनपुट पे डालनी पड़ती हैं. फिर जब इनपुट में डालनी पड़ती हैं तो उससे आउटपुट एक निकलती है. वो क्या होती है, वो हमारे पास पता चलती है कि जी हम किस टाइम पर हमें कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ बनानी है, रेगुलर टाइम में हम कितनी बना सकते हैं, ओवर टाइम पे हमें कितनी बनानी पड़ेगी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमें कितनी करनी पड़ेगी, हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, बैकलॉग्स कितने होंगे, मशीन कैपेसिटीज़ हमें कम कर और चाहिए या कम करने की ज़रूरत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एग्रीगेट प्लानिंग से पता चलती है. अब एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ मेजर क्या हैं. मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताई कि जी ये कंपनी थी, ये बहुत सारी चीज़ें बना थी, अब हमने एग्रीगेट लेवल पे जाना है, हायर लेवल पे जाना है, समिशन हर चीज को सम अप करके हमने अब एक हायर लेवल पे लेके जाना है. तो हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर ये कंपनी एक चीज बनाती है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर ये कंपनी एक चीज बेचती है तो कितनी इसको रेवेन्यूज मिलेंगे, अगर ये कंपनी एक चीज बनाए तो कितना प्रोडक्शन टाइम उसके अंदर लगाएगी. तो ये इस तरह की जो एग्रीगेट लेवल है हमें फिर एग्रीगेट लेवल पे लेके जाना पड़ता है और एग्रीगेट यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं. हमें बॉटलनेक्स पे भी ख्याल रखना फोकस करना पड़ता है व्हेन वी आर मेकिंग एन एग्रीगेट प्लान. और हमें एक्टिविटीज़ लाइक सेटअप टाइम एंड मेंटेनेंस टाइम, इन चीज़ों को भी इन अकाउंट रखना पड़ता है. विद दिस आई विल फिनिश टुडेज लेक्चर. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद. अस्सलामुअलैकुम.